अमरूद दो तरह का होता है, एक सफेद रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। यह जो लगा हुआ है ये लाल रंग का अमरूद है, यह जो आप देख सकते हो ये लाल रंग का अमरूद है। और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए ये लाल रंग का अमरूद है, एक सफेद रंग का होता है। और हजारों वैरायटियाँ अब वैज्ञानिकों ने बना दी हैं, तो रंग के हिसाब से दो तरह का होता है। आज हम बात करेंगे उन बातों की जिनको लोगों को नहीं पता है, ज़्यादातर जो मेरे भाई इनसे लाभ उठा सकते हैं, सस्ती चिकित्सा है, इसका लाभ उठाएं। आज मैं आपको इनके फ़ायदे बताने वाला हूँ। पहला फ़ायदा होता है जिनको कब्ज रहती है, वह अमरूद को सुबह शाम खाएं, जितना उसके खाएं, तो उससे उनको कब्ज में राहत मिलेगी, उनका पाचन तंत्र सही हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको खांसी रहती है सुबह शाम अमरूद को खाते रहें। कभी चटनी बनाकर खा लिया, इसकी चटनी बनानी है तो आप मिश्री में इसकी चटनी बनाकर खाएं, खांसी में आप इसको शहद के साथ खाएं, ज़्यादा खांसी है तो भून के अमरूद को खाएं, तो यह आपके खांसी में बलगम में हर तरह से आपका फ़ायदा करेगा। जिनको दांतों में दर्द रहता है, दांतों में दर्द रहता है, वो सीजन है तो अमरूद के पत्ते चबा कर खाएं, उससे इसमें राहत मिलेगी। दांतों के दर्द में ज़्यादा तेज़ दर्द है तो अमरूद में फिटकरी, अमरूद के पत्तों के साथ फिटकरी भी चबा कर चबाएं और उसको थूकते रहें, तो उससे भी दांतों के दर्द में आपको राहत मिलेगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनकी गुदा बार आ जाती है, जैसे भैंसों में उनका प्रोलैप्स बोलते हैं इंग्लिश में इसे, जो बच्चेदानी बाहर आ जाती है, ऐसे ही किसी की गुद्दा बाहर आ जाती है, तो उसमें आप क्या करें, इसकी अमरूद की छाल, ये छाल हो गई अमरूद की, और इसके पत्ते टहनियाँ सब को कूट लें, और अमरूद है तो अमरूद को भी कूट लें, उसको इतना उबालें, मान लो 1 किलो सामग्री है तो 4 किलो जल मिलाएं, और यदि 500 ग्राम आपकी 250 ग्राम सामग्री है तो 1 किलो जल मिलाएं, जब वो 250 ग्राम रह जाएं उससे बार बार गुद्दा को धोएं। इससे क्या है, वो गुद्दा भ्रंश एक करके रोग होता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, जिनकी गुद्दा ढीली हो जाती है, तो उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। अब जिनको खाना नहीं पचता, बार बार उनको सोच के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें आप काली मिर्च, अदरक और सेंधा नमक मिलाकर इसको अमरूद को खाएं, सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, तो जितना आप खाएंगे आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। यह सब जानकारियां आपको अवश्य लाभ करेंगी। इन्हीं सब जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे जो चैनल है उस पर आते रहें और इस तरह की जानकारियों का लाभ उठाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सफ़ेद रंग का अमरूद है और ये आप देख सकते हो लाल रंग का अमरूद है। अब आजकल जुकाम बहुत हो जाता है, गर्मी सर्दी पसीने के कारण, कभी गर्मी में कभी सर्दी में, तो जिनको जुकाम हो गए कि आप बीज निकाल लें, किसी भी अमरूद के सफ़ेद या लाल के, इसके बीज निकाल कर आप और ऊपर से पिए, तो जो जब आप ताज़ा जल पियोगे उस टाइम आपको अपनी नहीं है, ऐसा करें दिन में और 2-3 दिन तक करें, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा।